अब बताओ इनके बारे में। ये देवर्तन घोड़ा है, नवर्तन का बच्चा अच्छा, है। अच्छा, और इसकी माँ है चंद्रमुखी। अच्छा, इसके दो पैर सफेद है पिछले और माथे पे बले जब पूरा। ओके, हाँ जी। और उम्र 6 साल है। 6 साल, मारवाड़ी देश मारवाड़। देवर्तन है ना? देवर्तन नाम है, नाम है। और क्या मांग रहे हैं इसके? नहीं, सिर्फ मेला घुमाने के लिए। अच्छा, मेला घुमाने के लिए? हाँ जी। ओके, तो ये सब मेले घुमाने के लिए है या बेचने के लिए भी? ये एक मेला घुमाने के लिए, बाकी सेल के लिए। अच्छा, इसका बताओ जो सेल का है। ये मालूम नहीं, मदर से तो 21 मंथ का बच्चा है। अच्छा, हाँ जी। और बकरे में हाइट बत, उसकी क्या हाइट है? इसकी हाइट है 62+। 62+, हाँ जी। ओके, नुकरा है? नुकरा, बछेरा है? बच्चा है। बच्चा है, स्पॉटलेस है। और क्या मांग रहे हो इसके? इसकी 21 लाख। 21 लाख, इसका मतलब? ये अपने देवर्तन का बच्चा है। अच्छा, इसी का बच्चा है? हाँ, इसी देवर्तन का रिजल्ट है ये। okay. दोनों बच्चे हैं। अच्छा, माथे पे बलेज है। हाँ, और 3 पैर है। ओके, ये सेल के हिसाब से क्या मांग रहे हैं इसका? इसके सब 4.5 लाख। 4.5 लाख। ओके, हाँ, इसका बताओ। ये भी देवर्तन का बच्चा है। माथे पे पट्टा है, चारों पैर बलक है। एक मिनट, हाँ, ये देवर्तन का बच्चा है। हाँ, ये बता दिया। अच्छा, उसे क्या हाइट ले लेगा ये? हाइट ये 64 के आसपास रह जाएगा। अच्छा, और क्या मांग रहे हैं इसका? 5 महीने का है। हाँ, अच्छा, क्या मांग रहे हैं उसका? 5.5 लाख। 5.5, इसका बताओ। ये घोड़ी है। ये इसका रिजल्ट है? मारवाड़ी, हाँ, इसका रिजल्ट है। अपने देवरतन का बच्चा। अच्छा, देवरतन का बच्चा है, देवरतन। हाँ, 3 पैर और माथे पे बलेज है पूरा। ओके, इसके भी 3 पैर है, माथे पे पूरा बलेज है। अच्छा, तो ये अपने पे ही दिया बच्चा? हाँ, ये नवरतन पे, नवरतन पे, देवरतन के बाप पे। अच्छा, हाँ, तो ये सेल के लिए? सेल के लिए, 4 साल की घोड़ी। 4 साल की घोड़ी है। क्या मांग रहे सर? इस घोड़ी के 1.5 लाख। 1.5 लाख, और बच्चे का? बच्चे का 1 लाख। 1 लाख, कितने महीने का? तो बच्चा बता रहे? 3 महीने का है। 3 महीने का। ये थोड़ी इसकी माँ थोड़ी बीमार पड़ गई थी शुरुआत में, इसलिए थोड़ा ये रंग ऐसा आ गया, वरना ये 62 इंच की हाइट करेगी बच्ची है। अच्छा, 3 मंथ की, और हाइट भी देख लो आप। हाँ, बहुत अच्छी है, 3 महीने की अच्छी हाइट। अच्छा, इसका बताएं। ये घोड़ी है, 5 साल की है, और इसकी अकेले की है 70,000 रुपये। 70,000? 75,000 रुपये। हाँ, और ये अपने घर की है या ये किसी? नहीं, लाई हुई है। लाई हुई है। हाँ, अच्छी लगी। देवरतन का बच्चा है। अच्छा, इसका देवरतन के साथ इसका करवाया? हाँ, क्रॉसिंग कराया। ये खुले पे गया है, खुले पे, घोड़ी पे गया। पट्टा है और चारों पैर है। तो इसके साथ ही जाएगा बच्चा? तो साथ में? हाँ, छोटा बच्चा है, चारों। 1.5 मंथ का ही है। 1.5 महीने का ही है। तो इसको मिलाकर 75,000 या इसके अलग? घोड़ी के अलग है, इसके अलग, और दोनों के साथ में तो 1.5 लाख। 1.5 लाख। ओके, वो इधर अलग इधर आ जाओ। ये नहीं है? अच्छा, ये ब्लैक का ब्लैक है। हाँ, काली ब्लैक, काली ब्लैक, और 2.5 साल की है बच्ची। हाँ, अभी तक। अच्छा, बाघ भुमरी की बिल्कुल साफ है, भुमरी वगैरह की। हाइट में खुली ब्लैक है, 61+ है। खुली ब्लैक है? खुली ब्लैक, 61+ है। हाँ, हाइट में 61+ है, सामने दिख ही रही है आपको। इसकी प्राइस है 1.5 लाख। 1.5 लाख, टाकी है? हाँ, टाकी की है, उसी नसल की। ये सिंधन है अपने पास बच्ची। अच्छा, ये भी 2.5 साल की बच्ची है। हाँ, माथे पे बलेज है, चारों पैर ब्लैक है। अच्छा, और बहुत चलने वाली होगी। चलने वाला होगा, बहुत चलने वाली होगी ये। इसे क्या मांग रहे हैं? इसके 2 लाख। 2 लाख, ये जेड ब्लैक है, जो पंजाब में बहुत ज्यादा चलती है। अच्छा, हाँ, जेड ब्लैक, जेड ब्लैक, मारवाड़ी है? मारवाड़ी जेड ब्लैक, बागों में। क्या उम्र की है? ये 3 साल की है। 3 साल, और 3 महीने की अपने देवतन से गैप बनाए। अच्छा, हाँ, 3 महीने की गैप बनाए देवतन से। और क्या मांग रहे हैं इसके? इसके सर 2.5 लाख है। 2.5 लाख, ये चंबी है, पंजाब में ये भी बहुत चलती है। चंबी, इसकी उम्र 4.5 साल है। बाघ भुमरी बिल्कुल साफ है एकदम, भुमरी वगैरह की।
ये गबन लग रही है क्या? नहीं गबन नहीं, एक मंथ की है, देखो तो खुला हुआ है लेकिन गारंटी नहीं दे सकते। गारंटी दे सकते हैं? लग तो रहा है, कुछ लग तो रहा है लेकिन गारंटी नहीं, गारंटी दे सकते। अबे अबे चेकिंग नहीं कराई ना, एक महीना बाद चेक नहीं करा, चेक नहीं करा। इसकी मांग रहे 2.5 लाख। अच्छा, उसके 2.5 लाख है। ये रत्नागर लाइन की बच्ची है। अच्छा, इसलिए 2 पैर है और माथे पे ब्लेज है। अच्छा, और ये 11 मंथ की बच्ची है। तो इसकी माँ, इसकी माँ किस तरफ से मालूम नहीं है, नहीं मालूम, परचेज किया हुआ है 3-4 महीने पहले किया। अच्छा 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 अच्छा, तो अभी कितने महीने का है? अभी 11 महीने की हुई है, 11 महीने की बच्ची रही है ये। तो आप क्यों बेच रहे हो? 3 महीने का लिया, आप 11 महीने के रखो, फिर रखेंगे अगर कोई लेना चाहे तो दे भी देंगे। क्यों और बाघ उम्री की बिल्कुल साफ है बाबा जी, बागमुरी साफ ही लेंगे। अच्छा, क्या मांग रहे हैं इसका? इसके सिर्फ 1.5 लाख है। 1.5 लाख है, ओके। देवरतन वो है, देवरतन लाइन की है। अच्छा अच्छा, रत्नागर लाइन, रत्नागर लाइन में देवरतन, तो रत्नागर लाइन की। अच्छा अच्छा, आगे बच्चे आए। अच्छा, ये बच्ची है, एक पैर आगे का सफेद है और माथे पे बलेज है। अपने घर की ब्रीड हुई है। अच्छा, किससे? इसकी माँ अपने घर पे ही है। अच्छा, ये इसका बाप वाइट था, इंद्राणा में निवाराम करके उसके पास में घोड़ा था। हाँ, उसकी बच्ची है ये, 9 महीने की। 9 महीने की, और क्या ले लेगी अंदाजन? ये 150 हो जाएगी। 150 हो जाएगी, और क्या मांग रहे हैं इसके? इसके 3 लाख। 3 लाख, एक मिनट रुकना। ये बच्ची है नीली चंबी। हाँ, ये उसमें आती है रोजी, रोजी हाइट वाली होगी। ये भी उसी साथ की है, 9 महीने की। अच्छा, एक ही दिन का, ये 2 घंटे बड़ी है, वो 2 घंटे छोटी, इतने ओके ओके। और एक ही बाप है दोनों, एक ही बाप है दोनों का। हाँ, माँ अलग है, माँ अलग है, इसकी माँ उसकी बहन लगती है। अच्छा, सर 7 लाख। 7 लाख, इसमें 2 पैर है, माथे पे बलेज है। ओके ओके, ये करडवा पग जिमना और माथे पे बलेज, सिंधन में। ये रंजीत की बच्ची है। अच्छा, रंजीत, ये 7 महीने की हुई है। 7 महीने, और ये क्या हाइट ले ली गई अंदाजन? ये हो जाएगी 162 प्लस हो जाएगी। कितने? 162। इसकी मांग रहे 3 लाख रुपये। 3 लाख, गुरु जी का एक ले लो छोटा सा। हाँ, और ये बंदा नहीं, इधर आ जाओ। अच्छा, अब मैं एक बार थोड़ा इन सबका यूँ ले लूँ। हाँ, आराम से। नमस्कार महाराज साहब। नमस्कार, जय श्री राम। पधारिए महाराजी। थोड़ा अपना, हमने घोड़े के बारे में तो हमने पूछ लिया कि क्या घोड़े हैं, क्या क्वालिटी है। अब आप अपने बारे में बताएं कि आपका मठ कहाँ पर स्थापित है? हमारा मठ घोड़ा मालाणी के पास डिमड़ी मठ है। हाँ, नकलम भगवान का मठ है। अच्छा, वहाँ हमारे यहाँ घोड़े की पूजा होती है मठ में, मूर्ति वूर्ति नहीं है। अच्छा, ओके। चांदी के पीतल के घोड़े हैं। अच्छा, उन्हीं की पूजा सेवा होती है, नकलंग भगवान की। अच्छा, नकलंग भगवान, नकलंग भगवान कहते हैं, कलयुग में अवतार लेंगे, 25वां अवतार नकलंग भगवान का होगा। ओके,
तो इसीलिए वो घोड़े की, मैंने कहा जो पीतल के घोड़े की, चांदी के घोड़े की पूजा करते हैं, तो हम लोग जिंदे घोड़े की पूजा करें। बिल्कुल बिल्कुल है। और घोड़ा एक ऐसा देव रूपी जानवर है ये, पशु में नहीं कहलाते। बहुत से लोग कहते हैं इतने पशु है हमारे पास, बाकी पशु नहीं है, ये अश्व है। अश्व है, है सूर्य भगवान के रथ में जुटने वाले अश्व है, जो सूर्य चंद्र को चलाते है गति। बिल्कुल वो जानवर है ये, देवजोनी मानी जाती है, शक्ति माना जाता है घोड़ा। बिल्कुल। और अब घोड़े की आजकल के टाइम में कदर थोड़ी कम हो गया है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं शौक शौक में पहले रख लेते हैं, बाद में फिर वो तंग हो जाते हैं, दूसरे आगे भड़काते हैं, घोड़ा तो घर खा जाएगा, वो खा जाएगा, ता खा जाएगा, भड़काते हैं ना, वो तो बोलते ना कि आपने ये बबरी ले ली है तो घर खा जाएगा, आपको मार देगा, वो खा जाएगा। कुछ नहीं खाते, बमरी खाए ना को तिलक खावे। अच्छा ऐसा है क्या? वो चने खाने वाला अगर उसकी अपने सरदार सेवा है तो। अच्छा, अच्छा। भगवान के प्रति श्रद्धा है इतनी, इसके प्रति श्रद्धा रखना जरूरी होता है। तो ये कुछ नहीं खावे, इनका भाग इतना बड़ा है कि अपने आप ही ऑटोमेटिक धनी को भी ऊपर ले आते हैं, उसको भी खिलाते हैं, ये भी खाते हैं। वैसा मेरे को तो बोलते हैं महाराज जी के ना हृदयावली और तिलक तोड़ और ये सब खा जाते हैं, वो गोम वोम ये सब मार देते हैं मालिक को। मैं सब प्रकार की रखता हूँ। अच्छा। तिलक तोड़ भी मेरे पास है, गोम भी मेरे पास है, हैं, और टूंकिया भी मेरे पास है। तो आप मतलब घोड़ों को अश्विन भगवान मानते हैं? भगवान मानते हैं हम तो, सबसे देव रूपी है ये। अच्छा। इनकी सेवा करेंगे तो अधोगति में नहीं जाएंगे। अच्छा, अच्छा। अकाल मात भी मर जाएंगे तो अधोगति में नहीं जाना, ये वो जीव है। ओके, ओके, है। और बाकी कई लोग रखते हैं, देखो धूप में खड़े हैं घोड़े। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो सोचते हैं कि इन घोड़ों की कमाई करके हम घर ले जाके बच्चों को आटा खिला देंगे, वो कभी नहीं खिला सकते। अच्छा। क्यों? उसको सुख नहीं देंगे तो उनके घर में सुख कभी नहीं हो सकता। उसको दुखी कर रहे हैं, वो सोचते हैं हम मेरे परिवार सुखी हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ नहीं होगा कभी, कोई जन्म में भी नहीं होगा उनका। उनको जो अच्छा खिलावे पिलावे जितना भी हो सके, बाकी उनको छाया तो देवे, छाया दे कम से कम। इतनी गर्मी के अंदर इतनी बजरी है, गर्म है, वहाँ धूप में खड़े आपने देखे होंगे, बहुत देखे, बिल्कुल बहुत देखे। तो कुछ तो प्रशासन को सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को हाँ कुछ सुविधाजनक, या तो सुविधा दो या ऐसा को तुम रखो मत। बिल्कुल बिल्कुल। अन्य रखते हैं तो फिर उसकी सेवा कर, धूप में खड़े हमारी आत्मा भी दुख पाती है, बाकी क्या करें, हम इतनी व्यवस्था नहीं कर पाते। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। पूरे मेले की तो हम कहां से कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसा बात है। तो आप सर, आपका महाराज जी जो घोड़े रखने का जो है शौक है, जो वो आपके बचपन से था, जवानी से आया या कब से आया? बचपन से था हमारा। अच्छा। और बचपन से मैंने पहले हरियाणा में रहा तो वहाँ भी एक दो घोड़ी रखा। अच्छा। और उसके बाद में हम बीकानेर क्षेत्र में रहे तो भी घोड़ी रखा। तो बचपन में भी कैसे आया शौक? आपके पास पूर्वज का था या आपने देखा कि घोड़ा अच्छा चीज़ है? हमारे पूर्वज भी घोड़े रखते थे। अच्छा है। और फिर इस घोड़े के इतिहास हमने कुछ सुना, पढ़े लिखे तो हम नहीं है, कुछ सुना, उससे हमारी श्रद्धा हुई इसके प्रति। अच्छा अच्छा है। के शौक भी पूरा हो जावे और सेवा भी मिल जावे। सेवा भी मिल जावे। वो किसी ने कहा था ना कि सेठ भी मिल गया और भगवान भी मिल गया। सही। तो वो सेवा भी हो जावे और अपना शौक भी पूरा हो जावे। इसीलिए हम घोड़े में रुचि रखते हैं। और आज तक हमने 25-30 घोड़ा रखता हूँ, कभी हमने ब्याह शादी में घोड़ा नहीं भेजा हमारा। अच्छा। कभी कोई ब्याह शादी में नहीं। और नकलंग भगवान कहते हैं मेघड़ी से बाधा करके गए थे चौथे युग में, मैं तुम्हारे से शादी करने को आएगा, तो मैंने कहा क्या पता हमारे नकलम भगवान का मंदिर है। हाँ। आ जाएंगे तो उनकी बरात चढ़ा देंगे। उनकी बात चढ़ा देंगे। और नहीं तो अपने सेवा करो। हाँ। और आनंद करो बस, ये बहुत अच्छा श्रद्धा है हमारी। सही है, सही है, बहुत अच्छा। धन्यवाद साहब, आपके आपने हमको वक्त दिया इतना। जय श्री, थोड़ा आप भी कहिए इनको जो। बिल्कुल, हम तो सर हम बालोतरा मेले की आने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं। ऐसी ही और शानदार वीडियोस देखने के लिए इन तस्वीरों को क्लिक करें।